काटे हैं, और ये लहसुन मैंने को रख लिया है, और ये है चिकन, ये आधा किलो चिकन है, और ये गोभी, मैंने सब्जी नहीं ली है, सिर्फ गोभी ही लिया है सब्जी में। और ये देखिए फ्रेंड, मेरी सब्जी बन के रेडी हो गई। फ्रेंड वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग, कैसे आप सब आए हो, आप लोग सब ठीक हो गए? तो स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल बैरोले ब्लॉग में आपका। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर 12 बजे से, और अभी मेरा सारा काम हो गया है, मैं जा रही हूँ किचन में क्योंकि मुझे लंच बनाना है, और लंच में कुछ आज अलग ही सब्जी बना रही हूँ मैं। तो अलग सब्जी तो कुछ ऐसी खास नहीं है, पर मैं बना रही हूँ चिकन, आप लोग भी कहते होंगे, पहले मैं बोलती हूँ अलग सब्जी बना रही हूँ फिर कोई खास नहीं है, पर क्या करें, क्योंकि अलग इसलिए है ना, हर कोई क्या पता, मैंने किसी को देखा नहीं है जल्दी से बनाते हुए, तो मैं चिकन बना रही हूँ। चिकन के नाम से आप लोग सोच रहे होंगे चिकन बना रही हूँ क्या मतलब है, चिकन कोई खाता नहीं है क्या, सब लोग खाते हैं, तो मैं थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ, चिकन बना रही हूँ, उसमें मैं हरी सब्जियाँ डालूँगी, तो नॉर्मल सी बात है, अलग ही हो गया थोड़ा। तो आप देखिए मेरे साथ मैं कैसे बनाती हूँ कैसे नहीं बनाती, और आप लोग कैसे बनाते वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि आप लोग बताते भी नहीं हो, ज़रा मुझे भी बता दिया करो मैं जो बनाती हूँ आप लोग किस तरीके से बनाते हो। तो अभी आप चलिए मेरे साथ रसोई में, तो अभी बनाती हूँ लंच, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड मैंने कहा था ना आपसे कि मैं चिकन के अंदर हरी सब्जियाँ डालूँगी, तो बच्चों ने और इन्होंने भी मना करा था कि मतलब सब्जियाँ तो मैं डाल रही हूँ, सिर्फ गोभी डाल रही हूँ, और मैं इसमें डालने वाली थी बीन्स भी डालने वाली थी, और शिमला मिर्च और थोड़ी सी मटर, तो मैं थोड़ी मिक्स सब्जी चिकन के अंदर डालने वाली थी, तो डाल नहीं रही हूँ, इसलिए मैंने बोला था कि हरी सब्जियाँ डाल के मैं चिकन बनाऊँगी, पर बना रही हूँ सिर्फ गोभी डाल के। तो जो बना रही हूँ मैं उसी को आपको दिखाती हूँ, वैसे मैं मिक्स सब्जी जिस दिन बनाऊँगी ना चिकन डाल के, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। देखिए फ्रेंड, ये दो प्याज मैंने लंबे काटे हैं, और ये लहसुन मैंने को रख लिया है, और ये है चिकन, ये आधा किलो चिकन है, और ये गोभी, मैंने सब्जी नहीं ली है, सिर्फ गोभी ही लिया है सब्जी में, और ये दो टमाटर, हरी मिर्च। तो अभी मैं बनाती हूँ, मैंने ये पतीला इधर चढ़ा दिया है, तो करती हूँ स्टार्ट। देखिए इधर गैस को मैंने ऑन कर दिया, इसमें तेल डालूँगी मैं, तो ये करीब 1.5 चम्मच तेल डाल दिया है मैंने, और ये गर्म होने के बाद फिर इसमें कुछ मसाले डालूंगी। तो देखिए फ्रेंड, तेल गर्म हो गया है, और इसमें मैं साबुत मसाले नहीं डालूंगी क्योंकि कोई खाता नहीं है, फिर बच्चों के मुंह में आते हैं तो वो गुस्सा करते हैं। तो ये देखिए मसाला मैंने कूट लिया है, पर डालूंगी जरूर, तो इससे और भी अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये मैं तेल के अंदर डाल देती हूँ, और इसके अंदर इसकी सिवा, क्योंकि इसके अंदर सारे मसाले हैं, तो सारे मसालों का फ्लेवर है, तो इसलिए कोई साबुत मसाला मैं नहीं डालूंगी। तो इसके बाद मैं डाल देती हूँ प्याज, क्योंकि बच्चों के अकॉर्डिंग बनानी पड़ती है ना, जैसे बच्चे खाते हैं, फिर वो मत कर दे, फिर फायदा क्या, फ्लेवर वही रहेगा, बस मसाले मैंने साबुत नहीं डाले, उसको मैंने कूट दिया था। तो प्याज ब्राउन कर लेती हूँ मैं, तो ये प्याज ब्राउन हो गई है, अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी चिकन, देखिए कभी हटके भी बनाना चाहिए, चिकन कौरमा चिकन करी तो आम बात है बनाते रहते हैं, पर मेरे को चिकन सब्जियों के अंदर बनाना मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए, तो मैं इसको ब्राउन कर लूँगी चिकन को अच्छे से। तो इधर चिकन तो ब्राउन हो रहा है, अभी इसको भुनने देते हैं थोड़ा। तो ये देखिए एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, मुरब्बे के अंदर ये मैंने बनाई थे, 2 से 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए इनको, ये बिस्किट जैसे हैं, इनको क्या बोलते हैं, मैंने रेसिपी देखी थी इसकी, क्रंची खजूर, उन्होंने यही बोला था क्रंची खजूर है ये, और बहुत टेस्टी बना है। मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी, शायद मेरे से बिगड़ नहीं जाए, इस वजह से मैंने वीडियो शूट नहीं की, पर ये घर में सब लोगों को इतना पसंद आया, क्योंकि इसके अंदर मैंने दूध से आटा हुआ है, रेसिपी आपको दे भी देती हूँ, पर मैं बनाऊँगी ज़रूर दोबारा, क्योंकि घर में सब लोग खाते हैं, खाना खाने के साथ ये ज़रूर खाते हैं, और इसके अंदर दूध के अंदर आटा, ड्राई फ्रूट भी डाले हुए, बहुत टेस्टी बनता है ये, मैंने मैदे से नहीं आटे से बनाया हुआ है, और बहुत अच्छा बनाया है ये, छठ पूजा पर बनता है ये, समझ लो बिहारियों की डिश है,
वो ही बनाते हैं ये और बहुत टेस्टी बनता है, क्योंकि उन्होंने ही बताया था और तभी मैंने बनाया था। तो मैं उस दिन बनाया था तो मैं ये बात सोचती थी कि इसकी रेसिपी शेयर मैं ज़रूर करूँ, और बहुत अच्छे बने थे और बहुत टेस्टी भी और हेल्दी भी, क्योंकि दूध है इसमें, देसी घी भी है इसमें, ड्राई फ्रूट भी है और मैदा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हेल्दी भी है। देखिए अब इसके अंदर डाल दूँगी मैं लहसुन, अच्छे से ब्राउन हो गया है। प्याज भी, प्याज भी पहले मैं ज़्यादा नहीं भूनती हूँ, क्योंकि जब चिकन ब्राउन होता है तो साथ में प्याज भी हो जाती है। तो इसको 2 मिनट और भूनूंगी मैं, उसके बाद डाल दूँगी इसमें टमाटर मसाले। तो देखिए सर, ये टमाटर और हरी मिर्च दोनों साथ में डाल दूँगी मैं और अब मिक्स कर दूँगी। तो अभी टमाटर थोड़ा करने देती हूँ मैं। देखिए टमाटर भी अच्छे से गल गए, अब इसमें डाल दूँगी मैं मसाले, ये हल्दी पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर डालूँगी थोड़ा ज़्यादा मैं, और नमक मैंने इसमें कमी है, ये देखो ये 1.5 चम्मच मैंने नमक डाला है। अब डालूँगी इसमें थोड़ा सा पानी, अच्छे से मिक्स करूंगी। मजेदार मेरा चिकन बन रहा है, मसाले डालने के साथ ही ऐसे लग रहे हैं जैसे खुशबू अलग और मसाले भी भुन गए हों, और इतना अच्छा बन रहा है। देखिए अच्छे से चिकन भुन गया है, ये है चिकन मसाला, ये मैं डाल दूंगी, 1 चम्मच मसाला मैंने डाल दिया है। अब चला दूंगी अच्छे से, देखो कितनी अच्छी खुशबू और कितना अच्छा कलर, ये देखो चिकन का अच्छे से मसाला भी भुन गया है, तेल भी छोड़ दिया है इसने। तो इस टाइम पे डाल दूंगी मैं इसके अंदर गोभी, देखिए लग रहा है। तो इसमें डालूंगी मैं 1 गिलास पानी, हरी सब्जी डालकर भी चिकन अच्छा बनता है, मुझे तो बहुत पसंद है, घर में भी सब खाते हैं। तो मैं करीब 15 से 20 मिनट इसको स्लो गैस पे पकने दूंगी ना, उसके बाद मेरी सब्जी रेडी। क्या हुआ, ये दिव्यांश आया है पूछने कि मम्मी कौन सा चिकन बना रही हो, कौन सा चिकन बना रही हूँ मैं, ये सब्जियाँ डाल के बना रही हूँ, पीछे पीछे जल जाएगा। देखिए फ्रेंड मेरी सब्जी बन के रेडी हो गई, और देखिए कितनी अच्छी बनी है, इसमें ग्रेवी मैंने नहीं करी है क्योंकि सब्जी डाल ग्रेवी फिर अच्छी नहीं लगती। तो देखो बहुत अच्छी बनी है सब्जी, और हरी सब्जी के साथ चिकन का आप बना के देखना कुछ अलग ही टेस्ट रहता है। तो मुझे बहुत पसंद है हरी सब्जी डाल के चिकन बनाना। तो अभी मैं सबको खाना देती हूँ। तो फ्रेंड्स सब लोगों ने खाना खा लिया है, और अभी जा रहे हैं शानू दिव्यांश बाहर, तो आपसे वहाँ से आके फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड देखिए ये है मेरी शाम की चाय, और साथ में रस और बिस्किट। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए बनाई है चिकन की, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी बनी है। तो ये ब्लॉग मैं यहीं बंद कर रही हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर करना। तो अभी के लिए बाय।